अक्सर जब हम अपने बच्चों को बाजार या किसी रिश्तेदार के घर भेजते हैं तो उसे बड़ी अच्छी तरह से तैयार करके भेजते हैं। ध्यान रखते हैं कि उसके बाल सलीके से सवारे गए हों और उसे अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं। मतलब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि बाजार में या बाहर जब वह किसी से मिले तो स्वतः लोग उसकी ओर आकर्षित हों और उससे मिलने वाले का मन गदगद हो जाए। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना? तो अब आप ये बताइए कि पिछले 3 महीने से जिस फसल की सेवा आपने की है उसका फल आपको अपने बच्चे से कम प्यारा होगा क्या? नहीं ना। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फसल जब बाजार में पहुंचे तो उसे देखने वाले का मन भी गदगद हो जाए और वह स्वतः उसकी ओर खींचा चला आए और उसे अपने साथ ले जाना चाहे? मेरी इस बात पर आप सोच रहे होंगे कि भला आलू को कैसे सजाया सवारा जा सकता है। बिल्कुल सजाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आइए देखते हैं कि आलू की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बीज का चुनाव एवं उपचार, खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया, आलू की कोड़ाई और आलू के कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया। हमारी आलू की फसल स्वस्थ एवं सुंदर रहे उसके लिए हमें उसकी कोड़ाई एवं उसके रखरखाव में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इससे पहले कि मैं आपको आलू की कोड़ाई और उसके उचित रखरखाव के बारे में बताऊं, आइए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया से कितनी बातें भैया और दीदी को याद है। दीदी, आपने आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया वाले वीडियो देखी थी? हाँ भैया, हम सब दीदी लोग देखे थे। बहुत अच्छा दीदी, तो ये बताइए कि उस वीडियो से आपने क्या सीखा? उस वीडियो से हम ये सीखे कि आलू की कोड़ाई से पहले 10-15 दिन पहले आलू की सिंचाई बंद कर देना है और आलू के पत्ते और तने 2/3 से ज़्यादा पीले पड़ जाएं तो ज़मीन से सटा के पौधों को काट देना है। बिल्कुल सही दीदी, कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपको अच्छे गुणवत्ता वाला आलू मिलेंगे। हाँ भैया। किसान छोटे खेत में आलू की कोड़ाई अधिकतर फावड़े की सहायता से करते हैं। बलुई दोमट जैसी हल्की मिट्टी में आलू उखाड़ने का काम थोड़ा आसान होता है, लेकिन भारी दोमट मिट्टी में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होने की वजह से आलू उखाड़ने में काफी मेहनत लगती है। सावधानी पूर्वक आलू न उखाड़ने के कारण तथा खुरपी जैसे यंत्र से काफी कंद कट जाते हैं और खराब हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में करीब 15% आलू उखाड़ने के समय कटकर खराब हो जाते हैं। यहाँ आलू की कोड़ाई कैसे की जाती है, आइए इस बारे में भैया और दीदी से जानते हैं। भैया, लगता है कि जब आलू तैयार हो गया मेरा तो हम आलू कोड़ लेते हैं, कोई नियम कानून से नहीं कोड़ते हैं। आलू कोड़ाई करने के बाद पूरा इकट्ठा कर लेते हैं चुन के, उसके बाद घर ले जाते हैं और फिर बोरा में भर के रख देते हैं। आलू का कोड़ाई हम लोग पूरा ज़मीन में एक साथ करते हैं कोड़ी या फावड़ा से, और उसके बाद हम लोग चुनते हैं। कोड़ी या फावड़ा से जब कोड़ाई करते हैं उसके बाद पता नहीं कितना आलू कट जाता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। खेत से आलू निकालने की परंपरागत तरीका यही है। हल्की एवं बलुई मिट्टी में आलू उखाड़ने के लिए हमें कांटेदार फावड़े का प्रयोग करना चाहिए। इससे मेहनत भी कम लगती है और कंदों के कट जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फावड़े की मदद से अगर आलू उखाड़ रहे हो तो उसे इस प्रकार चलाएं कि आलू नष्ट ना हो। अगर कूड़ों की जुताई करके आलू को उखाड़ा जाए तो सबसे कम नुकसान होता है, इसलिए छोटे किसानों को चाहिए कि अगर हल बैल का प्रयोग संभव है तो आलू उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग करें। जिस भी यंत्र का प्रयोग किया जाए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उखाड़ते समय कंदों पर खरोच न लगे, उनके छिलकों को कोई नुकसान न पहुंचे और कंद कटे बिल्कुल नहीं। उखाड़ने के बाद कंदों को मिट्टी में से सावधानीपूर्वक चुनकर निकालना चाहिए। ध्यान रखें कि कंद मिट्टी के अंदर भी दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए मिट्टी को उलट पलट कर हर छोटे बड़े कंदों को निकाल लें। कंदों को मिट्टी से निकालने के बाद उन्हें छोटे छोटे ढेर में फैलाकर सूखने के लिए खेत में ही 1-2 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे कंदों में जो अतिरिक्त नमी होती है वो सूख जाती है, छिलके कड़े हो जाते हैं और उन पर लगी मिट्टी भी सूख कर छूट जाती है। जिन किसानों को कोड़ाई के बाद आलू को खेत में छोड़ने की समस्या हो
तो वे कोड़ाई के बाद सावधानी पूर्वक आलू को लाकर अपने आंगन में एक दो दिन तक धूप में सुखा सकते हैं। आलू के कंदों को उखाड़ने के तुरंत बाद बोरे में नहीं भरना चाहिए। एक दो दिन धूप में सुखाने के बाद कंदों को हवादार और छायादार जगह पर एक बड़े ढेर लगभग 4-5 फीट ऊंची ढेर के रूप में इकट्ठा करके कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए रखना चाहिए। इससे कंदों को हवा लगती है और उन पर लगे छोटे मोटे कट सूख कर भर जाते हैं, छिलके मोटे और कठोर हो जाते हैं और इससे आलू लंबे समय के भंडारण के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें, आलू की कोड़ाई हमें कैसे करनी चाहिए एवं कोड़ाई के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। हवा लगने के बाद आलू की छटाई और ग्रेडिंग करना चाहिए। छटाई के दौरान कटे फटे हरे रंग के और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे वाले कंदों को छांटकर अलग कर देना चाहिए। साथ ही साथ आलू के आकार के आधार पर कंदों की ग्रेडिंग करनी चाहिए। मुख्य रूप से 3 श्रेणी बनाए जा सकते हैं। पहले बड़े बड़े आलू यानी 100 ग्राम या उससे अधिक के आलू, दूसरा मध्यम आकार के आलू यानी 60 से 80 ग्राम के आलू और तीसरा छोटे आलू यानी 40 से 50 ग्राम के आलू जो बीज के आकार के होते हैं। एक चौथा ग्रेड भी हो सकता है जिसमें बहुत छोटे छर्रे के आकार के आलू हो सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद कंदों को ग्रेड के अनुसार अलग अलग बोरे में 50 किलो के समान वजन में भरकर बोरे को बंद कर दें। ध्यान रहे कि पिछली फसल के जिन बोरों में आलू का बीज रखा गया था उनका प्रयोग ताजे आलू रखने के लिए न करें, क्योंकि उनमें बीमारियों के जीवाणु हो सकते हैं। जूट के बोरे के अलावा आजकल नायलन के धागों से बने नाइलोनेट के बोरे भी आते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं और बाजार तक ढुलाई के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अगर भंडारण करना हो तो जूट के बोरे का प्रयोग करें। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें, आलू की छटाई हमें कैसे करनी चाहिए एवं उसका भंडारण कैसे करना चाहिए। ज्यादातर किसान अपनी जरूरत के अनुसार आलू को उखाड़ने के तुरंत बाद ही बेच देते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो आलू की उपज का कुछ हिस्सा कुछ महीनों के लिए रखकर जब बाजार भाव अच्छा हो तब बेचने से किसान अधिक लाभ पा सकते हैं। अपने खाने के लिए भी किसान आलू को अपने घर में सही तरीके से रखकर उनकी सड़न को कम कर सकते हैं। घर पर आलू के भंडारण में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले बड़े आकार के आलूओं को बेचना या प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अंकुरण सबसे पहले हो जाता है। मध्यम और छोटे आकार के आलूओं का घर में ही उचित तरीके से भंडारण करके किसान घरेलू भंडारण में सड़न से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मध्यम एवं छोटे आकार के आलू की विधिपूर्वक छटाई के बाद उनका भंडारण करना सही होता है। घर में अगर उचित तरीके से आलू का भंडारण करना हो तो उसे ऐसे स्थानों में रखें जहां घर का जमीन मिट्टी का हो, घर हवादार एवं ठंडा हो तथा वहां रोशनी कम आती हो। घर में अगर मिट्टी का जमीन न हो तो पक्के की फर्श पर भी 1-2 इंच बालू की परत बिछाकर उस पर आलू रख सकते हैं। किसी भी स्थिति में आलू की 4-5 इंच से मोटी परत न बिछाएं और 15 दिनों के अंतराल पर आलूओं को उलट पलट दें और सड़े आलूओं को निकाल दें। जगह की कमी एवं उपज की अधिक मात्रा में भंडारण के लिए बांस के बने साँचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बांस का स्ट्रक्चर है जो ये 3 रेक है, ये 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा का ये रेक बना हुआ है। ये रेक बनाने में 30 फीट वाला लंबा बांस 10 पीस लगेगा और 10 पीस लगेगा रेक तैयार हो जाने के बाद। ये आलू के अलावे प्याज या किसान अपने हिसाब से जो सड़ने वाला है वो इसमें रख सकता है। इसमें एक रेक में कम से कम 2 क्विंटल आलू लेगा तो ये रेक में यहाँ से यहाँ तक आलू नहीं भरेंगे, यहाँ से 10 इंच लगभग इतना भरेंगे। तो ये लगभग तीनों रेक में हम लोग 6 क्विंटल आलू लगभग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसान अपने हिसाब से इसका लंबाई और बढ़ा सकता है। चौड़ाई सेम 3 फीट ही रहेगा, इसलिए कि किसान जो अपना इसमें स्टोर करने के लिए जो रखेंगे वो आराम से इधर से भी रख सकते हैं और उधर से घूम के उधर से भी रख सकते हैं। इस तरह के रैक में भी आलूओं को रखने के बाद
15 दिनों के अंतराल पर उसे पलटते रहें और सड़े हुए आलूओं को चुनकर अलग हटा दें। इस प्रकार हम आलू को लगभग 4 से 5 महीने तक रख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई बहन बताई गई विधि से आलू की कोड़ाई एवं भंडारण करके अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। अधिक मात्रा में एवं लंबे समय के लिए आलू का भंडारण एवं बीज के लिए आलू के भंडारण के विषय पर हम अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। और हाँ, अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं तो आलू के छिलके की थोड़ी मात्रा 1 गिलास पानी में 5 मिनट तक उबाल लें, फिर उसे ठंडा करके पिए। दिन भर में 4-5 बार ऐसा करें, जोड़ों के दर्द से जरूर आराम मिलेगा। समझौता न करने वाली बातें। आलू को उखाड़ते समय कंदों को कटने से बचाएं और उन पर किसी भी प्रकार का चोट न लगने दें। कोड़ाई के बाद आलू को 1-2 दिनों के लिए खेत या आंगन में धूप में तथा उसके बाद 4-5 दिनों तक छाया में ढेर बनाकर सूखने के लिए छोड़ दें। कंदों के सूख जाने के बाद दाग धब्बे वाले तथा कटे छटे आलू को आकार के आधार पर अलग कर लें। कंदों को खेत में बीनते समय, इकट्ठा करते समय, ग्रेडिंग आदि करते समय कभी भी इन्हें उछाल कर टोकरी में, जमीन पर या ढेर पर न रखें। इस समय कंद पर लगी हुई चोट के कारण ऐसे कंद बाद में सड़ जाते हैं। भंडारण के बाद हर 15 दिनों पर आलू को उलटते पलटते रहें एवं सड़े गले आलू को छांटकर अलग कर दें।